بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر परवरदिगार आलम के लुत्फ और एहसान से इस तालिब इल्म को ये सआदत मुयस्सर हुई कि आपके सामने शबाए कदर की मुनासिबत से चंद अराइज पेश खिदमत किए जाएं। गुज़श्ता से पैवस्ता करते हुए कल की गुफ्तगू का खुलासा ये था कि शबाए कदर वो रातें हैं जिन्हें परवरदिगार ने अपने लिए इंतखाब किया है। बस जमाना अजीम तरीन जमाना है। दूसरी तरफ जब आप शबाए कदर में आमाल बजा लाते हैं, इबादत में वक्त सर्फ करते हैं, तो जिसके सामने आप दस्ते न्याज फैला रहे हैं, जिसके सामने आप सरबसजूद हो रहे हैं, वो माबूद अजमतों वाला माबूद, अजीम तरीन माबूद। बस ज़माना भी अजीम तरीन ज़माना है, माबूद भी अजीम तरीन माबूद है। सवाल ये उठाया था कि इन अजमतों के हिसार में वो क्या चीज़ है जो उस रात मांगी जाए, वो क्या शय है जिसे उस रात को हमें परवरदिगार से मांगना चाहिए। तो जनाबे मूसा की उस हदीस जिसकी किराअत कल की थी, उस हदीस की रोशनी में ये कहा कि अजीम तरीन शय जो इस हदीस के तनाजुर में समझ आ रही है वो है कुर्ब खुदाबंदी। कुर्ब खुदाबंदी वो अंसुर है कि जो उस रात के शायन शान है कि उसे उस रात मांगा जाए, जैसे उस महबूद से मांगा जाए कि परवरदिगार तू हमें इस रात के सदक़े, इस माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक के सदक़े अपना क़ुर्ब और अब खुद से नज़दीक होने का शरफ अता फरमा। आखिर कलाम में ये बात आई थी कि क़ुर्ब इलाही से मुराद क्या है। जब हम कहते हैं कि परवरदिगार से हमें करीब होना चाहिए, जब हम कहते हैं कि परवरदिगार आलम से हमें नज़दीक होना चाहिए, जब हम नमाज को कुर्बतन इलल्लाह बजा लाते हैं, तो इस कुर्ब से कुर्ब के माना क्या है, इस कुर्ब से मंजूर क्या है, क्या मादी कुर्ब परवरदिगार आलम से मुमकिन है, क्या यह मुमकिन है कि जिस तरह से दो जिस्म करीब होते हैं, दो मादे करीब होते हैं, इसी तरीके से परवरदिगार आलम से भी नजदीक हुआ जाए। तो इस सवाल के जवाब में ये आसान सा जवाब दिया जा सकता है कि मादी कुर्ब के लिए परवरदिगार आलम को मादी शय होना जरूरी है। मटेरियल होगा तो हम मटेरियल से नजदीक होंगे। अब क्या परवरदिगार आलम मटेरियल हो सकता है, क्या परवरदिगार आलम कोई मादी शय हो सकता है? तो आप गौर करें इस सादा सी मिसाल के जरिए से कि ये माइक्रोफोन जो इस मुकाम पर है मादी शय है, इस मुकाम पर है। चूंकि ये मादी शय है इस मुकाम पर है, लिहाजा ये मुनहसर है इस मुकाम पर, इस नुक्ते पर ये नहीं है, किसी और नुक्ते पर नहीं है, किसी और मुकाम पर नहीं है। ये आज है, कल नहीं थी और कल नहीं होगी। बस मादी शय मुनहसर होती है जमाने और मकान में। मादी शय चूंकि मुनहसर होती है लिहाजा महदूद होती है, लेकिन परवरदिगार आलम
लामहदूद खुदा है, परवरदिगार आलम किसी जमाने से मुकैद नहीं है, परवरदिगार आलम ऐसा नहीं कि एक मुकाम पर हो दूसरे मुकाम पर ना हो, परवरदिगार आलम किसी मखसूस मकान का मकीन नहीं। बस चूंकि परवरदिगार आलम जमाने में भी मुनहसिर नहीं, मकान में भी मुनहसिर नहीं, लिहाजा मादी शय होने का लाजमा यह निकलेगा कि परवरदिगार महदूद हो जाए। लेकिन परवरदिगार आलम तो महदूद नहीं है, ला महदूद खुदा है। बस चूंकि परवरदिगार आलम एक ला महदूद जात का नाम है, लिहाजा वो मादा नहीं रखता, लिहाजा वो जिस्म नहीं रखता। चूंकि वो मादा नहीं रखता, जिस्म नहीं रखता, इसी बुनियाद पर परवरदिगार आलम से जिस्मानी और मादी कुर्ब इम्कान पजीर नहीं है। बस आखिर अगर परवरदिगार आलम से करीब होना वो अहम तरीन उनसर है जो हमें उस रात मांगना चाहिए, दूसरी जानिब से मादी व जिस्मानी कुर्ब परवरदिगार आलम की निस्बत मुमकिन नहीं है, तो आखिर कुर्ब इलाही से क्या मुराद है? आखिर उस कुर्ब से क्या मुराद है जिसके लिए हम पांचों नमाज में और तमाम नवाफिल और मुस्तहब नमाजों में के आगाज में कहते हैं कि मैं इस नमाज को कुर्बतन इलल्लाह बजा ला रहा हूँ, मैं इस नमाज को परवरदिगार आलम से नजदीक होने के लिए बजा ला रहा हूँ, मैं इस कुर्बानी को परवरदिगार की कुर्बत हासिल करने के लिए बजा ला रहा हूँ, इस कुर्बत से, इस नजदीक होने से क्या मुराद है? एक मुकदमा मुख्तसर सा। जब हम ये मेरे अल्फाज जो आप तक मुंतकिल हो रहे हैं, इन लफ्जों के कुछ ना कुछ मानी है, लफ्ज सानवी हैसियत रखते हैं, वो जो बुनियादी असासी और असली हैसियत अव्वलीन हैसियत रखता है वो माना है। माना की गरज से चूंकि मैं चाहता था कि अपने माफिज जमीर को, अपने ख्यालात को, अपने अफकार को, अपने इरादों को मैं चाहता था कि मैं आपके अजहान आलिया तक मुंतकिल करूं, लिहाजा मैंने अल्फाज को ईजाद किया, मैंने आलम अल्फाज को खल्क किया। बस लफ्ज की हैसियत मरकब की सी है, असासी और बुनियादी हैसियत राकिब की है, उस लफ्ज की है कि उस माना की है कि जिस लफ्ज जो लफ्ज के दोष पर सवार होकर आपके नजरे समाहत होता है। बस बुनियादी हैसियत माना की है, लफ्ज की नहीं। इस मुकदमे के बाद में यह कहूंगा कि परवरदिगार आलम से कुर्ब जो मंजूर नजर है वो मानवी कुर्ब है, ना कि जाहिरी। जाहिरी कुर्ब जरूरी जरूर है लेकिन काफी नहीं है। हम जो नमाज पढ़ते हैं, हम जो रोजे रखते हैं, हम जो जकात और खुम्स अदा करते हैं, हम जो मुस्तहबात अदा करते हैं, हम जो वाजिबात अदा करते हैं, दीगर इबादात जो अंजाम देते हैं, ये सब जाहिरी कुर्ब है ना कि मानवी कुर्ब। मानवी कुर्ब जाहिरी कुर्ब के दोष ही पर सवार होकर आएगा। ऐसा नहीं कि मानवी कुर्ब हासिल कर लिया तो हम जाहिरी कुर्ब से बेनियाज हो जाएंगे, जाहिरी कुर्ब की जरूरत नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। मकतबे अहले बैत ने जो हमें तालीमात दी है उन तालीमात के तनाजुर में जाहिरी कुर्ब जरूरी है लेकिन काफी नहीं है। जो चीज इससे ज्यादा जरूरी है वो मानवी कुर्ब है जो परवरदिगार आलम से हमें इन रातों के तसद्दुक से मांगना चाहिए। अब मानवी कुर्ब से इस नाचीज की मुराद क्या है? मानवी कुर्ब से मुराद यह है कि हम परवरदिगारे आलम की औसाफ और वो खूबियां जो परवरदिगारे आलम में पाई जाती हैं, जो सिफात परवरदिगारे आलम में पाई जाती हैं, हम उनका इनकास हो जाएं, हम उन सिफात की तजल्ली हो जाएं, हम हमारे अंदर वो सिफात जलवागर हो जाएं, इस कदर जलवागर हो जाएं, इस कदर हम सिफात से नजदीक हो जाएं कि हम मौसूफ से नजदीक होने लगें। क्योंकि सिफात परवरदिगार आलम जो मौसूफ जो एक जात है वो एक लामहदूद जात है, वो जिस्म नहीं रखता, लिहाजा जिस्मानी कुर्ब उससे मुमकिन नहीं है। जो कुर्ब उससे मुमकिन है वो कुर्ब यह है कि हम उसकी सिफात से करीब हो जाएं और कुर्बत इस कदर बढ़ती जाए, कुर्बत इस कदर शदीद होती जाए, कुर्बत इस कदर गहरी होती चली जाए कि मनो तू का फासला सिमटता चला जाए। ये जो दूरियां हमें और परवरदिगार आलम में पाई जाती हैं, ये दूरियां, ये जो मसाफतें हैं, ये जो फासले हैं, ये सिमटते चले जाएं।
इस कदर सिमटे कि लिसानुल अब्द वो लिसानुल अब्द, लेकिन परवरदिगार आलम कहे कि ये लिसानुल अब्द नहीं, ये लिसानुल्लाह है। वो उदुनुल अब्द, लेकिन उदुनुल अब्द को परवरदिगार आलम कहे कि ये उदुनुल्लाह है। वो नफ्सुल अब्द, लेकिन नफ्सुल अब्द इस कदर सिफाते इलाहिया में गर्क और महव हो चुका हो कि उस नफ्सुल अब्द को परवरदिगार आलम कहे कि अब ये नफ्सुल्लाह है। इसी जानब सूरह अनफाल जाहिरन इसी जानब सूरह अनफाल की आयत हमें नाजिर नजर आती है कि जहां पर परवरदिगार आलम खत्मी मर्तबत से इरशाद फरमाता है कि ए हबीब मा रमैता वलाकिनल्लाह रमा, ए हबीब तूने वो संग्रेजे नहीं फेंके, हमने वो संग्रेजे फेंके हैं। फेंके किसने हैं? एक महदूद जात ने फेंके हैं, लेकिन ला महदूद जात कह रहा है कि मैंने फेंके हैं। फेंके किसने हैं? वो एक मखलूक ने संग्रेजे फेंके थे, मखलूक ने वो कंकरियां फेंकी थी, लेकिन परवरदिगार आलम वो खालिक जात कह रही है कि ये मखलूक का काम नहीं बल्कि ये मेरा काम है। क्यों? क्योंकि खत्मी मर्तबत परवरदिगार आलम की औसाफ की तजल्ली बन चुके थे। आपने ये हदीस यकीनन सुनी होगी कि जिसमें हदीस कुदसी है, जिसमें परवरदिगार आलम फरमाता है कि अब्दी अतेनी अज अल का मिसली, ए मेरे बंदे तू मेरी इताअत कर, मैं तुझे अपने जैसा बना लूंगा। अना हय्युन ला अमूत, मैं जिंदा हूं मैं मरता नहीं हूं, मौत मुझ पर आरिस नहीं होती। अज अलो का हय्युन ला तमूत, मैं तुझे भी ऐसा जिंदा बना दूंगा कि तुझ पर भी कभी मौत आरिस नहीं होगी। अना गनीयुन ला अफ्तकिर, मैं बेनियाज हूं मैं फकीर नहीं। अज अलो का गनीयन ला तफ्तकिर, मैं तुझे भी ऐसा बेनियाज और ऐसा गैर मोहताज बना दूंगा कि तुझे भी किसी के आगे दस्ते नियाज फैलाना नहीं पड़ेगा। अना महमा अशा यकूनो अजअलु का महमा तशाओ यकून, मैं जब कुन कहता हूं तो वो शेफ यकून हो जाती है। मैं तुझे भी वो सलाहियत दे दूंगा, मैं तुझे भी अपनी वो तजल्ली बना दूंगा कि तू भी एक शेह जैसे ही चाहेगा, जैसे ही तू कुन कहेगा वो शेह भी यकून हो जाएगी। मसलहत सीमा अकबर आबादी साहब का ये शेर जो इसी उनवान से मुनासिबत रखता है कि मसलहत यह है खुदी की गफलतें तारी रहें, मसलहत यह है खुदी की गफलतें तारी रहे, जब खुदी मिट जाएगी बंदा खुदा हो जाएगा, जब खुदी मिट जाएगी बंदा खुदा हो जाएगा। जब हम अपनी वो अपनी शख्सियत को अपनी जात को अपनी खुदी को जब परवरदिगार आलम की सिफात की तजल्ली बना देंगे तो ये वो मरहला है कि जहां पर हमारा हर काम हमारा काम नहीं रहेगा बल्कि वो परवरदिगार आलम का काम कहलाए जाएगा। हमारे आजा नहीं रहेंगे बल्कि वो आजा परवरदिगार आलम उन आजा को खुद से मंसूब करेगा। बस कुर्बत जिस्मानी कुर्बत अहम तरीन उनसुर है जो इस रात इल्तिमास करना चाहिए। कुर्बत मादी और जिस्मानी कुर्बत परवरदिगार आलम की नस्बत इम्कान पजीर नहीं है। जो कुर्बत और कुर्ब और नजदीक होना इम्कान पजीर है वो मानवी कुर्ब है, और मानवी कुर्ब का एक माना यह है कि हम परवरदिगार आलम की औसाफ की तजल्ली हो जाएं। अब यहां पर एक सवाल जिसे कोशिश करेंगे कि कल जेरे गुफ्तगू लाएं वो ये है कि आखिर परवरदिगार आलम के अंदर तो जमाल की सिफत भी है और जलाल की सिफत भी है। परवरदिगार आलम जहां महर व उतूफत रखता है वहीं पर परवरदिगार आलम गैज़ो गज़ब भी रखता है। जहां पर परवरदिगार आलम रहमत रखता है वहीं पर परवरदिगार आलम कहर भी रखता है। तो फिर किस तरह से मुमकिन है कि परवरदिगार आलम की इन मुतजाद सिफात की हम तजल्ली बन जाएं? ये जो मुतजाद सिफात जो जाहिरी तौर पे हमें मुतजाद दिख रही हैं, किस तरीके से हम इन मुतजाद सिफात का इनकास बन जाएं? आखिर में परवरदिगार से दुआ गो हैं कि जो कुछ कहा जो कुछ सुना उस पर हमें सही माना में अमल करने की तौफीक इनायत फरमाएं। परवरदिगार से दुआ गो हैं कि इन रातों के तसद्दुक से इन रातों के तुफैल से हमारे और हमारे गुज़श्ता मरहूमीन के
तमाम गुनाहाने सगीरा और कबीरा की बख्शिश फरमाए। परवरदिगार आलम से दुआ गो हैं कि शबाए कदर का वास्ता तुझे देते हैं। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत अभी गुजरी है, मौला का वास्ता देते हैं। परवरदिगार आलम को अमीरुल मोमिनीन का वास्ता देते हैं कि जमाने के इमाम के ज़ुहूर में जल्द अज जल्द ताजील फरमाए, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।